अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए हैं, हमें कुछ मार्केट में काम था एंड हम लोगों को एटीएम पर भी कुछ काम था प्लस मार्केट में भी कुछ काम था, तो हम लोग आए हैं मार्केट फ़िलहाल के लिए। सुबह इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी और आपको पता है सैरी में स्नोफॉल हो गई, मतलब इतना पागल हो गई मैंने कहा यार, मतलब मार्च 30 आ गई है और अभी 30 मार्च को स्नोफॉल हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मैं दिखाती हूँ आपको पहाड़ों पे, काफ़ी ज़्यादा आपको बर्फ़ दिखेगी, ये देखिए आपको पहाड़ों पर बर्फ़ दिख जाएगी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एटीएम पे आए हैं अभी, तो थोड़ा घूमने भी हो जाएगा। चलिए सुबह अंदर चले गए, ये एटीएम। हेलो गाइस, हम यहाँ से फ्री होके अभी वापस निकलेंगे, देखते हैं कहाँ जाना होगा, क्या जाना होगा। ओके चेक कर लो, तुम्हारे उसमें मोबाइल में आएगा, इसके बिना कहाँ होगा। ये स्टेट बैंक में ज़्यादा, हाँ हाँ इसमें आया नहीं, आएगा आएगा, क्या हो रहा है, हमारा ओटीपी नहीं आ पा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोगों ने काफ़ी देर से, हम लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, हम ओटीपी नहीं आ पा रहे। पता नहीं SBI में होता है ना, जहाँ दे दिया। हमारा ATM वाला काम हो गया, हम निकल रहे हैं बाहर मार्केट की तरफ, देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। चलिए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अभी तो कुछ ऐसा कुछ सोच के नहीं आए थे हम कि कहाँ क्या करना है, बस ये था ATM वाला काम था और एक दो काम और हैं वो करके हम निकल रहे हैं। फिर बाद में जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको साथ लेके चलेंगे और आपको साथ दिखाएंगे। चलिए कैसी लग रही है आज, ये रही सूर्य, चलेगी पहले भरने ठंडे के लिए, ये रही जासू मीन्स सूबिया, सूबिया मीन्स जासू, डालो सूबिया क्या, पेट्रोल फिल करवा लिया है, अब हम चले, देखो चलिए। अरे 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 रुकिए, ये हमेशा यही करते हैं जावेद मेरे साथ कि जब मैं बैठने वाली होती हूँ ये मुझे डिच कर देते हैं और मैं पागलों की तरह, ये हर बार का यही है इनका। क्या करा आप रहे अभी, मेरे मुझे वॉक करवानी है आपको, बैठना है बैठ जाओ, नहीं तो मैं चल रहा हूँ। हाँ यार ठंड तो हो रही है, हाँ तो क्या हाल है, विंटर खत्म होने का नाम ले रहे हैं। कल रात को बर्फ पड़ी थी, मैंने बताया कि कल रात स्नोफॉल हो गई, हम पागल हो गए, 30 मार्च को स्नोफॉल हो रही है। चलो बैठो, चलते हैं अब। खूबसूरत नज़ारा है, अपने दिन पर दिन और अच्छा होता जाएगा और खूबसूरती और बढ़ती जाएगी, जैसे देख रहे हैं आप फूल निकल रहे हैं पेड़ों में और बाहर की तरह बढ़ रहा हो रहा है, बढ़ रहा है ये मौसम और साथ साथ तरह तरह के फूल निकलेंगे, आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने सोचा कि बहुत से लोग हमारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं हमारी यूट्यूब फैमिली में कि जो कि कश्मीर से बिलोंग नहीं करते, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं जब हम कुछ ऐसे सीन्स दिखाते हैं।
दिखाते हैं कश्मीर के, तो लोगों को बड़ी खुशी होती है कि हम घर बैठे कश्मीर घूम लिए। और बेसिकली आज जो हमारे आने का जो पर्पस था वो सुबह आपको बताएगी क्यों आज हम आए और क्या था हमारा आने का आज, क्योंकि सामने कितना अच्छा लग रहा है, पता नहीं पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं गला फाड़ के बोलने की हो सकता है आप तक पहुंच जाए। तो ये देखिए आज ना हम ऐसे ही इस जगह पे हम कभी गए नहीं है पहले, तो हम लोगों ने सोचा ऐसे ही बस थोड़ा सा हम भी घूम लेंगे और आप लोगों को भी घुमा देंगे। जरा रास्ते देखिए कितने खूबसूरत हैं, अल्लाह। ये तो नैनीताल वाले वो आ गए याद मुझे। पता नहीं कहाँ जाता है यह रास्ता, बस हम भी ऐसे ही अनजान रास्ते पर जा रहे हैं। अल्लाह जावे तुम जो पता नहीं कहाँ जा रहा है, मुझे तो डर लग रहा है अभी, बहुत ज्यादा ना मतलब गोल गोल वाले रास्ते हैं और चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, गोल गोल प्लस खड़ी चढ़ाई। जावेद आई थिंक बस अब हमें रुक जाना चाहिए किसी एक जगह पर जाके, मुझे डर लग रहा है इस रास्ते पर। हम बहुत ऊपर आ गए हैं, ये देखिए हम काफी ज्यादा ऊपर आ गए हम रुक गए हैं एक जगह पर क्योंकि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। देखिए हम कहाँ कितने ऊपर आ गए, हम वहां नीचे थे एकदम, हम वहां से आए हैं बहुत नीचे से और अब हम इतनी ऊंचाई पर आ गए। और आप जरा देखिए बर्फ से ढके हुए पहाड़। अच्छा लेकिन ना मुझे मेरा और जावेद का दोनों का ये है कि हम दोनों को घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक है, तो हम लोग ना नई नई जगहें एक्सप्लोर करते रहते हैं, हमें बड़ा मजा आता है कि हम अननोन जगहों पर जाकर ऐसे, और कश्मीर इज ऑल अबाउट अनएक्सप्लोर्ड एरियाज, जितनी अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं ना वो इस कदर खूबसूरत है ना कश्मीर में कि इंसान पागल हो जाता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा है। जगह कितना प्यारा लग रहा है ना, और देखिए सामने ऐसा लग रहा है एकदम पहाड़ों पर घना जंगल, क्योंकि अंधेरा कितना है इधर साइड, बिल्कुल अंधेरा। ओहो जावेद ना इतना तैयार होकर खड़े हुए थे, उसके बाद इतनी ठंड थी तो बेचारे जैकेट पहन ली थी, अब जावेद को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जावेद ने उतारा और आज जावेद ने आज अपनी नई स्वेटशर्ट पहनी है, तभी जावेद जो है वो इतने उनका ना मूड खराब हो गया था जब उनको जैकेट पहननी पड़ी थी तो लेकिन हम काफी ज्यादा ऊंचाई पर हैं। ये देखिए वो जो जगह है पानी वाली वो अभी हमारे साथ साथ थी और अब वो कितनी नीचे दिख रही है, इट्स ब्यूटीफुल। जावेद का तो मूड था अभी और ऊपर जाने का, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था, बिल्कुल एकदम खड़ा रास्ता अननोन जगह। अच्छा लग रहा है यहाँ बहुत ज्यादा और बहुत खूबसूरत है, लेकिन तो अच्छा आप बताइए आपको डर लग रहा था जब ऊपर ऐसे गोल 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 चढ़ रहे थे? ये वाला जो लास्ट वाला बहुत चढ़ाई वाला था, मतलब ये थी एकदम खड़ी चढ़ाई थी, मैं बहुत डर गई थी, मैंने कहा बस जावेद रोक लीजिए, मुझे डर लग रहा था यार कि ये कहाँ चढ़े जा रहे हैं हम लोग, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है। चलिए अब हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें जब हम आए हैं तो, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमने आज इतने मजे करे हैं यहाँ पे, इतना मजा आया है ना, हम पता है हमने इंस्टाग्राम के लिए लाइव करा है जावेद, और जावेद का फर्स्ट लाइव था, जावेद को इतना मजा आया है फर्स्ट लाइव में जावेद इस टाइम पूरे फुल मूड में है यार, ये इतने मजे की जगह थी ना, यहाँ पे कोई आया ही नहीं, बिल्कुल सुनसान एकदम। ये देखिए क्या प्यारा, रुकिए अभी तो
जावेद मेरी इतनी मेहनत करवा रहे हैं, इतना चलवा रहे हैं यार, मैं थक जाऊंगी रोजा है जावेद। जावेद का जरा लुक देखें आज, ऐसा बंठन के आए हैं ना जावेद। अब मत मैं दिखाता हूँ, यहाँ ना रुको ना, अरे आना यार। मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, मैं थक गई। मैं नहीं, फिर मैं आप पीछे आ जाऊं यार, तो लगा लेती यार। चलिए मैं दिखाता हूँ इसको, रोतड़ी को रोना है इसका, देखो किधर किधर। आप क्या बोल रहे हैं, किधर से मैं जाऊँ? चलो बढ़ो आगे तुम मॉडलिंग के लिए। गुड गुड, यस यस। अच्छी जगह है, रैंडमली हमने चूज करी आज यहाँ जाने का। आपको मेरा आउटफिट कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आउटफिट मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसकी बैक स्टोरी बताऊंगी जब घर पहुंचूंगी। जावेद भी पूछेंगे ना कि जावेद का आउटफिट कैसा लगा। हाँ बताइएगा कमेंट सेक्शन में इनका आउटफिट कैसा लगा आपको और मेरा वाला कैसा लगा आपको, जरूर बताइएगा। ये मैन, बस अब मैं थक चुकी हूँ, मेरे अंदर अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है, मुझे रोजा फल लगना शुरू हो गया। जावेद ने मेरी इतनी ज्यादा थका दिया ना मुझे, मैं मेरी आदत नहीं है तो पहाड़ों पर चढ़ने उतरने की। देखिए कितने खूबसूरत नजारे हैं कुदरत के, माशाल्लाह। बस अब मेरा बहुत शूट कर लिया। जावेद का भी पूरा लुक देख लीजिए। थोड़ा सा एक साइड थोड़ा सा टिंट होके। जावेद का भी मैं पूरा लुक दिखा देती हूँ आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं नहीं, आप। अच्छा जावेद, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोग क्या, आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिला आपके लास्ट व्लॉग पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं लोगों का बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। आगे आ जाओ। अच्छा लगा मुझे, मैंने पहले कभी ब्लॉगिंग करी नहीं थी, पहली बार कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है, स्पेशली लाइव आके। लाइव आके आपको अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। इसमें भी होता है क्या? यूट्यूब पे भी आई थिंक लाइव होता है, होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि YouTube पे भी लाइव हम करें कभी क्या, क्योंकि हम अभी Instagram पे लाइव किया और जावेद को बहुत ज्यादा मजा आया और जावेद को वो फर्स्ट लाइव था। कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वहाँ से कोई आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आप यहाँ से जवाब दे रहे हो, या कोई पूछ रहा है कुछ भी तो अच्छा। और अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने से बहुत ज्यादा ना एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और मजा भी आता है उस चीज पे। अच्छा तो अभी थोड़ी देर पहले जावेद ने आपको बताया था कि हम किसी किसी रीज़न की वजह से आए थे आज, तो रीज़न ये है कि मेरा एक कोलैब है और उसका पीआर पैकेज मुझे रिसीव होना था और वो रिसीव हो गया था, बट मेरे अपने एड्रेस पर नहीं रिसीव हुआ था, क्योंकि जो मेरे कोलैबोरेटर हैं उन्होंने जिस डिलीवरी सर्विस, जो कोरियर सर्विस है जिससे भेजा है, वो हमारे एड्रेस पर डिलीवर नहीं कर पा रहा था। सो हमने जावेद के किसी फ्रेंड का एड्रेस दिया था, तो हमें दो दिन हो गए थे वो पार्सल उनको रिसीव हुए, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग वो रिसीव नहीं कर पाए थे। तो आज थोड़ा सा मौसम बेटर था तो मौसम के, जावेद ने कहा कि चलो ठीक है आज चलते हैं।
तभी हम आए थे और हमने वो पैकेज रिसीव कर लिया है। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मुझे क्या रिसीव हुआ है। फिलहाल जस्ट एंजॉय द ब्यूटी। और अच्छा, आप में से बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि ना आप जहाँ पर भी जाती हो आप बताया करो कि क्या जगह है ये, कौन सी जगह है ये। तो बताने में कुछ नहीं है, मैं बता भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर मतलब एग्जैक्ट लोकेशन एड्रेस वगैरह सब आप लोगों को पता चल जाता है कि हम कहाँ रहते हैं एंड ऑल दैट। तो उससे फिर थोड़ी सी मुझे थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, है जावेद, वरना बताने को बता सकते हैं। वैसे इस जगह पर हम रहते नहीं हैं तो हम बता भी सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये जगह जाननी है कौन सी जगह है क्या है, ठीक है ना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम फिर आपको रिप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हमने कहाँ आके। चलिए अब मेरे ख्याल में यहाँ से निकलते हैं हम, बाकी बातें हम रास्ते में करते हैं, और अगर कहीं और कोई अच्छी जगह मिली हमें तो वहाँ पर भी बैठ के आपको दिखाएंगे, जो हम देखेंगे, जो हम कहेंगे या जो हम करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। चलिए हम लोग बस अब निकल रहे हैं यहाँ से, और जावेद ने जैकेट उतार दी थी लेकिन अब मैं तो खैर पहनी हुई हूँ, अब जावेद जो है वो जैकेट पहनेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हवा है। आप जब भी ड्राइव करें टू व्हीलर तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों को अफ्तारी के लिए फ्रूट्स वगैरह चाहिए थे तो वही हम लेने के लिए आए। क्या ले रहे हो फ्रूट्स में? ग्रेप्स ले लिए और अभी बनाना सोच रहे हैं, लेकिन बनाना और एक तो ऑरेंज ले। ले लिए खरबूजा, ले लेता हूँ मैं यार खरबूजा। हाँ खरबूजा ले लिया, मुझे खरबूजा बहुत अच्छा लगता है, पर आज का खरबूजा अभी बहुत अच्छा रहे, एकदम मीठे। आप लोगों को खरबूजे कैसे लगते हैं? अगर आप लोग भी रफ्तार में खरबूजा खा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बस हमने सारे फ्रूट्स ले लिए हैं, काफ़ी सारे तरीके के फ्रूट्स लिए हैं, सब जितनी भी जो भी वैरायटी थी वो सभी ले लिए। ये देखिए, ये है नर्सरी और यहाँ पर सारे प्लांट्स मिल रहे हैं, कि अगर कोई भी प्लांट हमें लेना है घर पर लगाना है देन वी कैन हैव एनी ऑफ देम। बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। जावेद को पता नहीं शायद इंटरेस्ट आ रहा है फ्लावर्स लेने में, तो वो देख रहे हैं। देखिए झेलम झेलम कैसी हो रही है आज, कितना तेज है इसका झेलम रिवर का आज फ्लो बहुत तेज है। ये देखिए कितनी गंदी हो रही है, बिल्कुल गंदा पानी हो रहा है और लेकिन फ्लो बहुत तेज है। जितने लोग जिन लोगों ने देखा है वीडियो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को देख के या आगे हमारी और भी वीडियोज है वो देख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके सामने ला पाएँ। बहुत लोगों ने मुझसे मेरे व्लॉग्स में पूछा है कि मैं अपने सूट्स कहाँ पर स्टिच कराती हूँ, तो मैंने आज तक कभी कश्मीर में अपना कोई भी एक भी सूट स्टिच नहीं कराया। मेरे सारे सूट्स मैं अपने जब मायके जाती हूँ वहीं से अपने सारे सूट स्टिच कराती हूँ, मेरे जो वहाँ पर जो मेरा टेलर है उसी से मैं हमेशा स्टिच कराती हूँ। बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग इन कश्मीर, तो मैं पहली बार यहाँ पर ट्रायल के लिए। जावेद ने मुझसे कहा कि मतलब इतनी जल्दी जल्दी अब हमारा रेगुलर जाना नहीं हो रहा है, तो तुम यहाँ पर एक बार ट्राई कर देखो स्टिच कराने का। तो मैं वही जावेद ने मुझसे कहा कि यहाँ पर स्टिच करा कर देखो एक बार, तो तुम्हें आइडिया होगा कि अगर तुम्हारा यहाँ पर ही स्टिच होना स्टार्ट हो जाए तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं अभी फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग यहाँ पर,
तो देखते हैं कि मेरा कैसे सूट से वो लोग स्टिच करते हैं। तो बता रही हूँ कि मैं मतलब यहाँ कश्मीर में कभी भी मैंने स्टिच नहीं कराया, फर्स्ट टाइम मैं स्टिच करा रही हूँ। तो जावेद ने मुझसे कहा कि तुम एक बार ट्राई कर देखो, तो तभी जावेद के कहने पे और मम्मी ने, मेरी जो मम्मी है उन्होंने भी बोला कि तुम एक बार वहाँ ट्राई कर देखो, हो सकता है कि तुम्हें अच्छा स्टिच कर दें। तो मैंने काफ़ी सारे सूट्स इनको स्टिच करने को दिए हैं। वैसे तो मैं सोच रही थी कि पहले सिर्फ एक ही सूट दूँ, लेकिन फिर मैंने इनको जितने भी सूट्स लिए थे, काफ़ी सारे मैंने आउटफिट्स परचेज करे हैं अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने इनको सारे स्टिच करने को दिए हैं। अब देखते हैं कि ये सारे सूट्स जब मेरे सब एकदम स्टिच हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इन्होंने कैसे स्टिच करा और आपको रिव्यू भी दूंगी। तो चलिए मेरे साथ ऊपर चढ़ के है और एकदम गोल सीना है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र अल्लाह का, हुआ कोई सूट स्टिच? अकेले का काम खत्म हो गया है, तो हम जा रहे हैं वापस। जीना कैसा है? जीना बहुत खतरनाक है, यहाँ का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलिए अभी आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है आप लोगों के लिए। जो जो लोग आखिर तक देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आज तक आपको बेस्ट से बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इस चीज़ को। आपके सराहने से हमें ना इनक्रेजमेंट मिलता है, तो हम आगे और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हमसे मोहब्बत करते रहिए। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं अब नेक्स्ट व्लॉग से ही स्टार्ट करूँगी आगे का, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्दी मिलेंगे ना नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।